इतना सारा काम दे दिया है मेरे सिर पे, मैं तो करते करते थक गई। अरे बहू, खाना तैयार हो गया क्या? नहीं नहीं माँ जी, अभी नहीं हुआ, बस करती हूँ अभी हल तैयार। आज खाना खिलाएगी ऐसी भूखे मार देगी? कितनी देर से खाना बना रही है, अभी तक खाना बन के तैयार नहीं हुआ है। अरे माँ जी, कर तो रही हूँ, अब इतना सारा काम मेरे ऊपर ही डाल दिया है, अब वो करूँ या खाने का काम करूँ, कोई एक काम हो तो उसको करूँ। ओहो, कैसे कह रही है, जैसे पूरे घर का काम तू ही संभालती है। अभी तो बहरहाल मैं ही संभाल रही हूँ, कोई और तो मुझे करता दिखता नहीं है। कुछ काम की छोटी वाली से भी कह सकती हो, उससे तुम किसी काम की नहीं कहती हो, दिन भर मेरे से ही लगी रहती हो। अरे तू छोटी से और कर रही है, वो तो अभी नई नई आई है, धीरे धीरे सीख जाएगी सब कुछ, तब कह दूंगी उससे काम की। तू तो इस घर की पुरानी और बड़ी बहू है ना, तो तू तो संभालेगी और कोई संभालेगा। बस काम करने के लिए बड़ी हूँ, और किसी चीज के लिए नहीं हूँ। तू क्या कहना चाहती है ये बता, साफ साफ बोल जो भी कहना चाहती है। अब छोड़ो माँ जी, अब क्या साफ साफ और क्या कहूँ आपसे, मैं अभी थोड़ी देर में खाना बना के ला रही हूँ। ठीक है, जल्दी लेकर आ, हाँ तेरे पापा जी इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए। लाती हूँ। हे भगवान, ये कैसा आदमी दे दिया है, काम पे जाने की तो कोई चिंता ही नहीं है, बस सुनो वालो इन्हें। अरे उठ जाओ कुंभकर्ण के चाचा, काम पे नहीं जाना क्या? कौन है, नींद खराब कर रहा था बढ़िया, नींद से पेट भर जाएगा। अरे तू है कैरी, क्या सुबह सुबह खोपड़ी खराब कर रही है, टाइम देख रहे हो कितना हो रहा है, काम पे नहीं जाना? अरे तो चला जाऊंगा, काम कौन सा भगा जा रहा है। सही बात है, तुम्हारे तो पिताजी ने फैक्ट्री खोल रखी है ना, जो साहब कभी भी चले जाएंगे। क्या बात है री, सुबह सुबह क्यों हल्ला कर रही है, तुम्हारी हरकतों की वजह से रोज खुद सो के नहीं उठते हो और मुझसे कहते हो काम पे मैं लेट हो जाता हूँ। तू मुझे मत सिखाए, अपना काम देख। अपना काम तो मैं देख ही रही हूँ, चल एक काम कर, गर्मा गर्म चाय लेकर आ। सुनो, मुझ पर टाइम नहीं है तुम्हारी चाय बनाने का, चुपचाप चले जा किचन में और बना लो चाय। लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तू कुछ मांग रही है? हाँ मांग रही हूँ, थोड़ा सा झेल ला के दे दो मुझे। उधर तुम्हारी मम्मी कह गई कि खाना जल्दी बना, पापा को भूख लग रही है, इधर तुम अभी तक सो के नहीं उठे हो, अब उठे हो तो तुम्हें चाय बना के दूँ, अब उनको खाना दूँ या तुम्हें चाय दूँ? मार लो अकेले आदमी को, कितना काम करेगा अकेला आदमी। अरे तू नहीं करेगी तो कौन करेगा, क्यों इस घर की मैं अकेली बहू, छोटी वाली से क्यों नहीं कुछ कहते हो, उसको भी तो काम करने के लिए कहो, जब करेगी तभी तो सीखेगी, उसको तो तुम्हारी माँ छोटी कह के छोड़ देती है, क्या अभी सीख जाएगी? अच्छा तो तू अपने दुख से दुखी नहीं है, उसके सुख से दुखी है। सुनो, मुझसे फालतू की बात मत करा करो, मैं किसी को सुख के देख के नहीं चलती, मैं सिर्फ काम की बात कर रही हूँ, मुझे क्या मतलब उसके सुख से, वो तो मुझे सब दिख रहा है। अब तुम यहाँ से चले जाओ, चलो जाओ नहा दो तैयार हो, वो तो मैं हूँगा, क्या तेरे से पूछ के हूँगा, तुम्हें जो करना करो, मैं तो तुमसे यहाँ पर मुड़ मारने थोड़ी आई हूँ, मैं अपना काम करूँ। सुन, मेरे लिए कपड़े निकाल के रख दियो, अब यहाँ नहा के आ रहा हूँ, मुझ पर नहीं निकल रहे तो मैं भी पता है कपड़े कहाँ रखे हैं, अपने आप निकाल लो। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा हरा रही है, आज काम पे से लौट के आऊँ फिर देखूंगा इसको। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा डांस कर रही है। अरे इसकी साड़ी अच्छी लग रही है। ऐसी साड़ी मैं भी लेकर आऊंगी। छोटी, हाँ हाँ दीदी बोलो, क्या हुआ, क्या कर रही है इस कमरे में, आज तो कमरे में से बाहर भी नहीं आई। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अभी आने वाली थी। छोटी तू ये काम करेगी? काम वो क्या काम है दीदी? छोटी तेरे भैया काम पे जा रहे हैं, तो मेरे को उनको कपड़े प्रेस करके देने हैं, तू जब तक माँ बाप को खाना लगा देगी, मैंने खाना बना के रख दिया है, मैं जब तक उन्हें कपड़े प्रेस करके दे देती हूँ, नहीं फिर वो मुझ पर हल्ला करेंगे। माँ बाप को खाना? हाँ छोटी खाना तैयार है, बस तू उनको लगा दे। अरे भैया, अरे क्या हुआ छोटी? अरे दीदी क्या बताऊँ, आज सुबह से मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ये दर्द के मारे में बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही हूँ, इसी मारे तो आज मैं कमरे से बाहर नहीं आई थी। क्या तेरे पेट में सुबह से दर्द हो रहा है, तो दवा ले लेती ना। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे दवा सूट नहीं करती है, मुझे दवा से एलर्जी हो जाती है, इस मारे में कोई दवा नहीं खाती। ये कौन सी बात हुई, पेट में दर्द भी हो रहा है, जब तक दवा नहीं खाएगी तो कैसे ठीक होगी? नहीं नहीं दीदी ठीक हो जाएगा, वो मुझे पता है कैसे ठीक होगा मेरा दर्द। अच्छा तुझे पता था दर्द क्या ठीक होगा? हाँ दीदी वो होता रहता ना, तो मुझे पता चल चुका है। दीदी तो मैं तो माँ बाप को खाना नहीं दे पाऊंगी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप ही दे देना। ठीक है तो फिर दीदी देखो बुरा मत मानना, अगर मेरे पेट में दर्द नहीं हुआ होता तो मैं काम में आपका हाथ बटा देती। अच्छा चलो ठीक है, तू अपना दर्द ठीक कर ले पहले। अरे भाई ये बताओ, आज की तारीख में चाय मिलेगी नहीं मिलेगी? अरे मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? तो अभी तक चाय क्यों नहीं आई है? क्या करूँ उस बहू का, इसने तो मेरी नाक में दम कर दी है, अभी बुलाती हूँ उसको। बहू। हाँ बोलो क्या हुआ? ये बता तू चाय कब तक लाएगी, हम कब से चाय के इंतजार में बैठे हैं, क्या शाम की चाय रात को पिलाएगी? तुम तो ऐसे कह रही हो माँ जी, जैसे मैं बिल्कुल फ्री बैठी हुई हूँ, तुम्हारे लिए चाय लानी है, कोई कह रहा है खाना दे दो, कोई कह रहा है कपड़े दे दो, कह
कितना काम करे अकेला आदमी, इंसान हूँ कोई मशीन तो हूँ नहीं। सुन बहू, तुम्हारी सास भी अकेली थी इस घर में और पूरा घर संवारा इसने, तुम अभी से हार गई। सुनो बाबू जी, हारने वाली बात नहीं है, सबरा काम एक ही आदमी को दे दो अगर तो क्या वो कर लेगा? कोई अकेले मैंने जिम्मेदारी थोड़ी ली है इस घर की। क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? अब छोड़ो माँ जी, क्या मतलब समझाऊं तुमको? नहीं नहीं बता, क्या बोलना चाहती है तू? जो मैं बोलना चाह रही हूँ ना तुम्हें सब पता है, जान के भी अनजान मत बनो। अरे तो अब तू ही बता दे। अरे छोड़ो बापू जी, अब क्या बताऊं, अभी आज तुम्हारी चाय ला रही हूँ। रुक रुक रुक, बाबू जी कहाँ से आ रहे हैं और जो दुबक के कहाँ जा रहे थे? अरे कहीं नहीं बापू जी, वो मैं कमरे में जा रहा था अपने। अच्छा, ये तेरे हाथ में क्या है? ये बाबू जी फल है। फल है तो ला, हमें भी दे दे भाई, हम भी खा लेंगे। अरे नहीं बापू जी, ये तुम्हारे मतलब के नहीं है। क्या भाई, मेरे मतलब की क्यों नहीं है? मैं तुम्हारे लिए कल बढ़िया वाले फल लेकर आऊंगा। ये गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, ये बेकार है। गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, तो तू कल आया? अरे माँ, मैं तो खा लेता हूँ तुम्हें मालूम है, पर बाबू नहीं खाते है ना, इनके लिए मैं कल बढ़िया वाले ले आऊंगा। देख मैं तेरा बाप हूँ, सच सच बता दे क्या है इसके अंदर, अगर मैंने देखा तो फिर तेरी खैर नहीं है। अरे बापू जी, इसमें चाउमीन है। अच्छा, तो चाउमीन को फल बताया जा रहा है? क्या रे, ये चाउमीन किसके लिए लेके आया है? इतनी बार मना की है, बाकी उल्टी सीधी चीजें नहीं खानी चाहिए, फिर भी तू घर में लेकर आया है? किसके लिए लाया है चाउमीन? अरे बापू जी, वो सुमन ने मंगाई थी। अच्छा, तो लुगाई की सेवा करी जा रही है? उसने मंगाई और तू ले आया, उसे समझा नहीं सकता था? ये सब चीजें खाती रहती है, इससे कोई ताकत आती है? अरे माँ, मैं इन्हें बहुत समझाता हूँ लेकिन उसके समझ में ही नहीं आती है। लो सुन लो, वो तुम्हारी लाडली है ना छोटी बहू, अभी मैं उसके कमरे में गई थी। तुम काहे के लिए गई थी उसके कमरे में? पहले पूरी बात तो सुनो। मैंने उससे कहा जब तक मैं माँ बाबू के लिए चाय बना रही हूँ तो उनको चाय करके दे दियो, मुझे ना उनके कपड़े देने हैं, वो काम से जा रहे हैं तो वो कपड़े मांग रहे हैं। पता उसने क्या कहा? क्या कहा उसने? उसने कहा दीदी मेरे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, इसी चक्कर में मैं आज कमरे में से सुबह से बाहर नहीं गई हूँ, ये काम आप ही कर लीजिएगा, मैं आज बिल्कुल हिल नहीं पा रही हूँ। और अब देख लो फोन करके चाउमीन मंगवाई जा रही है, अब कहाँ गया पेट में दर्द? क्यों, क्या नाटक हो रहा है घर में? मुझे क्या मालूम, तू घर में रहती है, तुझे नहीं मालूम तो किसे मालूम है? भैया मैं क्या करूँ, मैं घर में रहती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी हूँ मैं इनके आगे पीछे लगी रहती हूँ, ये दोनों का बच्चा है, जो इन्हें समझाती फिरूँ। तो अब तू बता भाऊ, तू क्या चाहती है? अब पूछ ही रहे तो मैं बता रही हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस घर का काम आधा आधा बांटा जाए, आधा काम वो छोटी बहू करे और आधा काम मैं करूँगी, मेरे पे नहीं समझ आ रहा पूरे घर का काम। ठीक है, तो अब कल से यही होगा, अब मैं देखूंगा कि कौन क्या काम करेगा। क्यों भाई बहनों, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे आपसे कह रही हूँ, हाँ कमेंट करके बताइएगा मैंने सही कराया गलत, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।